हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल आसियाना टिप्स पे। आज मैं बहुत ही प्यारा सा फ्लावर्स से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मैरीगोल्ड का है ये, गेंदे का फूल है। हमने इसके लिए हरा कलर और ऑरेंज कलर, जिस कलर का आपका बनाना है फ्लावर उस कलर से आप ले सकते हैं। तो ये पीला भी होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, तो आप उसे लीजिए और इस तरह से बनाइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आसियाना टिप्स चैनल को, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले हमने ग्रीन कलर से ये एक लूप बनाया है और उसमें इस तरह से हमने चैंस बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने चार चैंस बनाए हैं और सभी चैंस में एक एक खाने में हम यहाँ पर दो दो क्रॉच आउट बनाई करेंगे। इस तरह से बनाएंगे, एक ही जगह पे हमें नहीं करना है, उसके बगल करना है। दो बार, तीन बार, यहाँ पे हम तीन बार करेंगे। तीन चैंस में हम यहाँ पे तीन बार ऐसे करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम तीन, एक एक खाने में दो दो बार करेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे यहाँ पे ले आके। इस तरह से हम दोनों किनारों को इस तरह से जोड़ देंगे और एक एक खाने में फिर से हम दो दो बार बुनेंगे। एक खाने में दो बार तो छः के यहाँ पे बारह हो जाएंगे खाने, बारह खाने यहाँ पे हो जाएंगे ऊपर। तो ये फ्लावर आप तोड़न में या फिर फ्लावर बेस में बना सकती हैं, सजा सकती हैं। इससे आप तोड़न बना सकती हैं और इसमें तार लगाकर, ऊन लपेट कर इसे आप फ्लावर बेस में सजा सकती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ऊन से ही आम की पत्तियां बनाकर आप उसके साथ इसे डेकोरेट कर सकती हैं, तोड़न जैसा सजा सकती हैं। तो तीन से छः होगा, छः में फिर से हम बारह खाने बनाएंगे। यहाँ पे बारह खाने बन जाएंगे ऊपर। इस तरह ये नीचे का बेस बनेगा फ्लावर का। और इसके बाद हम ऊपर से उनका कलर चेंज करके और इस पे फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत टाइट बनानी है बुनाई ताकि ये फैले ना। इस तरह से शेप आता है इसका। तो 12 खानों में से हमने दो दो चैन बुनते हुए, दो दो एक खाना छोड़ते हुए इस तरह से बना लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे कलर दूसरा लगाएंगे, जिस कलर का आपको फ्लावर बनाना है। और एक एक खानों में हमें
इस तरह से पहले लगाना है ऊन। यहाँ पे स्टार्ट करके हमें चैन बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः बना सकते हैं आप। यहाँ पे चैन बना के हमें फिर से नीचे लगाना है ऐसे। तो ये जो खाना है उसे हम पूरा भरेंगे ऐसे ही चैन बुनते हुए, इस खाने को हम पूरा भर देंगे पाँच या छः बार तक। आपको जैसा खाना पसंद है, जैसा बनाना है वैसा आप इस तरह से बना सकती हैं। इसको पूरा लाइन में पूरा चैन बनाना है, इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड में हम भर देंगे। ये आप थाली पोश में भी किनारों पर लगा सकती हैं। ऐसे ही पांच छह चैन बनाते हुए हम पूरी लाइन को भर देंगे वहाँ के खाने को, फिर दूसरे खाने में बनाएंगे ऐसे ही। तो इस तरह से हम सभी खानों को भर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। सभी खानों को भरने के बाद इस तरह से हम सुई धागा लेंगे इसी कलर का ऊन, और इस तरह से आगे पीछे करते हुए एक साथ ऐसे इसको कर देंगे। तो इस तरह से ये बीच में सिकुड़ा हुआ आएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से बनकर तैयार हो गया है हमारा गेंदे का फ्लावर। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।